भाई हेलो व्यूअर्स, भाई आज का वीडियो थोड़ा सा हटकर है, यानी थोड़ा राजनीति से परे। और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज में आप इंटरनेट यूज करते हैं और नेट के बगैर आप अपने को बिल्कुल असहाय, हेल्पलेस महसूस करते हैं। लेकिन नेट की एक ऐसी दुनिया भी है जहां तक आपकी पहुंच नहीं है। इसी दुनिया को कहते हैं डार्क वेब। इस डार्क वेब के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं। हम बताएंगे आप में इसको कि भाई डार्क वेब क्या है, इस पर कौन कौन से कार्य होते हैं और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप जानते हैं कि जो इंटरनेट आप यूज करते हैं वो याहू या गूगल जैसे सर्च इंजन है, उनका सिर्फ 4% ही कवर करता है। पूरी नेट की दुनिया का 4% ये सर्च इंजन कवर करते हैं और बाकी जो 90% है वो ऐसी दुनिया है इंटरनेट की जहां तक आपकी पहुंच नहीं है। हम इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जिसे आप डार्क वेब या डीप वेब भी कहते हैं। तो आप वीडियो देखेंगे, अब आप सिर्फ ऑडियो सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, आप सभी शायद इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डार्क वेब क्या है? आज के समय में हमारी सभी एक्टिविटीज़, चाहे वो ऑनलाइन कुछ चीज़ें खरीदना हो या किसी से बातचीत करना हो, सभी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इंटरनेट के ऊपर निर्भर होना होता है। ऐसे में शायद आपको लगे कि आप वेब दुनिया के विषय में सब कुछ जानते हैं और शायद आपने प्रैक्टिकली सभी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर लिया है इंटरनेट पर, लेकिन आपको शायद ये जानकर शौक लगे कि हमें इंटरनेट के बारे में केवल 4% की ही जानकारी है। हाँ, गूगल, याहू या कोई दूसरा सर्च इंजन सभी केवल 4% तक ही कवर करते हैं पूरी वेब वर्ल्ड की, और वहीं बाकी की 96% की वेब के बारे में हमें सच में कुछ भी पता नहीं, और ये एक आम इंसान की पहुंच से परे होता है। इसी अनअप्रोच्ड हिस्से को ही डार्क वेब कहा जाता है। इस डार्क वेब में सभी चीज़ें शामिल हैं, जैसे ही ऑनलाइन ड्रग्स की सेलिंग और भाई अश्लील फिल्में, हैकिंग और सभी प्रकार के इल्लीगल चीज़ें जो कि हमारे नियमों के खिलाफ हैं, वहीं ऐसे डार्क वेबसाइट्स और डार्क वेब को विजिट करना भी इल्लीगल होता है। इसमें हमारा देश भी शामिल है बाकी देशों के साथ। वहीं कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को छोड़कर ये डार्क वेब बहुत काम की चीज़ होती है। तो ये रहा आपके ऊपर, आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, यदि आपको डार्क वेब क्या होता है और ये कैसे काम करता है के विषय में और अधिक जानना है तो आप हमारा ये वीडियो आखिर तक देखेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हथियारों की तस्करी हो, ड्रग्स की तस्करी हो, इंसानों की तस्करी हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स की बिक्री हो या फिर हैकिंग जैसे काले कारनामे हों, ये सभी काम भी इंटरनेट के जरिए ही होते हैं, बस इसका तरीका बदल जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा समय में ये पूरी दुनिया इंटरनेट के दम पर चल रही है। हमारी दिनचर्या के लगभग सभी काम किसी न किसी रूप में इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। दुनिया के सभी अच्छे बुरे काम इंटरनेट की मदद से ही होते हैं, जब चाहे वो हथियारों की तस्करी हो, ड्रग्स की तस्करी हो, इंसानों की तस्करी हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स की बिक्री हो या फिर हैकिंग जैसे काले कारनामे हों, ये सभी काम भी इंटरनेट के जरिए ही होते हैं, बस इसका तरीका बदल जाता है। जी हाँ, तरीका बदल जाता है। इसे समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि हम जिस ब्राउज़र पर काम करते हैं ये बहुत ही साधारण ब्राउज़र होते हैं, लेकिन बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ब्राउज़र काफ़ी अलग होते हैं और इन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। डार्क वेब पर आमतौर पर हम अपने साधारण काम के लिए जिस ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सरफेस वेब कहा जाता है, जब गैरकानूनी कामों के लिए लोग डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब डीप वेब का एक हिस्सा है, जहां सभी प्रकार के गैरकानूनी और बेहद ही खतरनाक कामों को अंजाम दिया जाता है। सरफेस वेब पर होने वाला काम पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है, जबकि 96% हिस्सा काम डीप वेब पर होते हैं। डीप वेब पर होने वाले सभी काम गैरकानूनी नहीं होते हैं, लेकिन डीप वेब के अंतर्गत डार्क वेब पर होने वाले काम गैर कानूनी होते हैं। यूं तो डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है,
लेकिन साइबर क्रिमिनल का एक बहुत बड़ा अड्डा है।